哦。चलो घर चलते हैं, बच्चे शाम को घर आ जाएंगे। वन टू 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 वन। देखो बच्चों, तुम लोग सीढ़ी से सीधे ऊपर जाओ, वहां क्लासरूम है, उस क्लासरूम में रोशन सर होंगे, उनको अपना नाम बताना। क्या बताओगे? आराम से। वेरी गुड। वन टू वन टू वन टू वन टू वन टू। रविंदर, तू यहां पढ़ने आया है ना, तू यहां पढ़ेगा जरूर, लेकिन सिर्फ उतना पढ़ेगा जितना सुरजीत शमशेर सिंह चौधरी चाहेगा। तो सभी बच्चे मेरे साथ बोलेंगे, एक दो, दो तीन, तीन चार, चार पांच, पांच छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, अफसल, सनी, अच्छे से समझ गए ना क्या करना है? हाँ। कोई गलती नहीं होनी चाहिए। चिंता ना करो ओए, एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर ली तो मैं किसी की भी नहीं सुनता। वाह, शाबाश। अगर तुम दोनों ने ये काम कर दिया ना तो मैं तुम दोनों को सलमान की पिक्चर दिखाऊंगा, नई वाली। अरे कौन है वहाँ? अरे अंदर आओ ना। तो नए विद्यार्थी हो? जी मास्टर जी। तो बेटा पूरी कक्षा को अपना परिचय दो। परिचय? हाँ, क्या नाम है तुम्हारा? रविंदर सिंह चौधरी। रविंदर सिंह चौधरी। तो रविंदर, तुम ये बताओ कि तुम्हारा सबसे पसंदीदा विषय कौन सा है? कोई सा भी नहीं। कोई शोर नहीं करेगा। तो तुम्हें पढ़ना अच्छा नहीं लगता रविंदर, या तुम मेरे सामने ज्यादा होशियार बनने की कोशिश कर रहे हो? मेरा नाम रोशन सिंह पटियाला है, क्या समझे? मैंने बड़े बड़े होशियार ठीक किए इस डंडे से, समझे? अंदर आ जाओ मास्टर जी। अरे तुम तो पहले ही अंदर आ गए बेटा, अब और कितना अंदर आओगे? हैं? वो आपने ही तो कहा था कि हर काम आपको पूछ के करना, इसलिए पूछ लिया। आओ आओ बेटा, अंदर आओ ना। बहुत एहसान किया तुमने हम पर, हमारे स्कूल के सलमान खान। सलमान खान? ये कौन है? तुमने तो रोज क्लास में आने का कमिटमेंट किया था, फिर कहाँ गायब हो जाते हो बेटा? हम वहाँ बैठते सर, इसलिए दिखाई नहीं देते। ठीक है बेटा, तुम वहां बैठते हो इसलिए दिखाई नहीं देते। अरे बेटा, अगर इसी तरह होली दिवाली आते रहे ना तो परीक्षा में भी दिखाई नहीं दोगे, समझे? जा, जाकर बैठ जा। दिखाई नहीं देते, वहां बैठते हैं। तुमका चल दिया अफजल मियां? अरे क्यों उसकी लंगोट बने घूमते रहते हो हैं? कभी पढ़ाई पर भी ध्यान दे लिया करो। मैं सर जी जाऊं क्या? चुप, जाऊं क्या? जा जाकर पिछले पाठ के सारे सवाल याद कर, चल। जाऊं क्या? बड़े स्टाइलिश, जाऊं क्या? तुम्हारा क्या नाम है बेटा?
रोहन। लगता है दोनों पक्के दोस्त हो। हाँ मास्टर जी, पक्के दोस्त। फिर तो तुम दोनों एक साथ नहीं बैठोगे, समझे? रविंदर, तुम जाकर सायरा के पास बैठो, इस क्लास की सबसे होशियार लड़की है। अरे थोड़ी अकल भी ले लेना उससे, जाओ। कल के अंधे हो या आंख से अंधे हो, संभल के चला करो। हाँ तो रोहन, अब तुम बताओ कि तुम्हारा भी कोई पसंदीदा विषय है या तुम्हारा भी पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है? है ना मास्टर जी, क्रिकेट। क्रिकेट मुझे बहुत अच्छी लगती है। एक बार खेलने लगू ना तो फिर पराठे भी याद नहीं रहते। अरे मेरे सचिन तेंदुलकर, कल से ये बैट बॉल घर छोड़कर आया कर और यहां पढ़ाई पे दिमाग लगा, समझे? चल जाकर बैठ जा। हां तो बच्चों, सब अपनी अपनी कॉपी में 1 से 15 तक गिनती लिखेंगे। सभी बच्चे लिखो गिनती। हेलो, तुम अब लिख लो, बाकी के आंसर तुम मेरी कॉपी से ले लेना। मेरा नाम क्या है? सायरा। मेरी चोटी अच्छी है। सच्ची? मेरी नाक अच्छी है। अरे क्या खुसर-पुसर हो रही है वहाँ? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं सर। ठीक है, चुपचाप अपना काम करो। ऐसे क्या हाथ पे हाथ धरे बैठे हो? आज रसोई की हड़ताल है क्या? चलो उठो फटाफट खाना बनाओ, बच्चे आते ही खाना मांगेंगे। ना मिला तो बर्तन बजा बजा के ना नाक में दम कर देंगे। अगर मुझे ध्यान ना हो ना तो इनको तो किसी की फिक्र ही नहीं है। बेबे आप फिर से भूल गए ना, बच्चे खेलने के लिए नहीं गए बल्कि स्कूल गए, और आज उन्हें आने में बहुत टाइम लगेगा, शाम को आएंगे वो। ओए होए, मेरी तो मत्ती मारी गई है, उम्र हो गई है ना, पुलक्कड़ हो गई हूं मैं। ये भी याद नहीं रहा कि बच्चे खेलने नहीं स्कूल गए हैं। गया तो है पर पता नहीं स्कूल में क्या चल रहा होगा। हे वाहे गुरु, कुछ गड़बड़ ना हो जाए, अकेली है मेरी रावी। वैसे मैंने उसे समझा के तो भेजा है। तुझे क्या हो गया चौधरी, ऐसे क्यों घूम रहा है? कुछ नहीं बेबे, रविंदर जब घर में रहता है तो अपनी शैतानियों से पूरे घर को उलट पलट के रख देता है। अब वो नहीं है तो घर में शांति शांति, देखो कैसा सूनापन है घर में। बैठ जा चौधरी, तेरे इस तरह घूमने से ना कड़ी की सुइयां तेज नहीं हो जानी। मुझे ना रविंदर की आदत सी पड़ गई है, जब वो शैतानियां करता है ना घर में, यहां से वहां वहां से यहां उथल पुथल, तो ये घर महकता है, मेरा मन भी महकता है, चहकता है। मैं ना अपने को जवान सा महसूस करता हूं। अब वो घर में नहीं है तो कुछ काम ही नहीं है, ना देखने को मन करता है, ना सुनने को मन करता है, ना खाने को मन करता है बस। पापा जी, आज ये बात सच हो गई कि रविंदर के बिना इस घर में कोई रौनक नहीं है। जब वो रहता है तो मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं रहता, इतना काम बढ़ जाता है मेरा। और जब वो आज यहाँ नहीं है तो मेरा मन ही नहीं लग रहा किसी चीज में। हाँ मंसूर, ठीक कह रही है तू, ये स्कूल तो बहुत भारी पड़ गया है। अब देख समय बीत ही नहीं रहा। स्कूल वालों ने कोई न्योता तो नहीं भेजा था कि रविंदर को हमारे स्कूल में भेजो? तुझे इतनी जल्दी मची हुई थी, वो घर में था तो मुश्किल, स्कूल गया तो मुश्किल, फैसला तेरा ही था ना, अब भुगतो। तो भुगत ही तो रहा हूँ और आपके ताने भी सुन रहा हूं। और सुनाइए।
परेशान लग रहे हो? कक्षा में मन नहीं लग रही क्या? ऐसे खड़ूस खड़ूस मास्टर रहेंगे तो मन ही नहीं लगेगा ना। ऐसा लग रहा है कि हम लोग किसी पिंजरे में कैद हो गए हो। ओए, अब तुम टेंशन मत लो, तुम्हारे क्लास में मैं आ गया हूँ ना, अभी तुम्हारा ध्यान मैं रखूंगा, कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। सच्ची? सच्ची? हाँ, एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दिया तो मैं किसी की भी नहीं सुनता। ये गणित वाले मास्टर जी तो है ही खराब। हाँ, लेकिन अब जो हिंदी वाले मास्टर जी आएंगे वो तो बहुत अच्छे है। लेकिन अगर नया स्टूडेंट उनको ग्रीटिंग कार्ड नहीं देता तो तुरंत मुर्गा बना देते। ग्रीटिंग कार्ड तो हमारे पास है ही नहीं। मेरे पास भी नहीं है। कोई बात नहीं, हमारे पास है ना, ये लो, आते ही मास्टर जी को दे देना। अरे सब शांत हो जाओ। नमस्ते नमस्ते, बैठो। अरे वाह, नए विद्यार्थी, बैठ जाओ बैठ जाओ। मास्टर जी हम कुछ लाए हैं। अच्छा, लाओ दिखाओ। लाए हो तुम मेरे लिए? मास्टर लल्लूलाल मिश्रा की लल्लूगिरी। चुप! एकदम चुप। जमीन से उगे नहीं तो दुम निकल आई तुम्हारी। मास्टर जी हमने नहीं कहा। यहीं पे एक पैर पर खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ एक पैर पर, खड़े हो जाओ एक पैर पर। तो बच्चों अपनी अपनी हिंदी की किताबें निकालो। पांचवा पाठ कल जहां हमने छोड़ा था वहां से शुरू करेंगे। तो एक दिन महाराज कृष्णदेव को पता चला कि उनके राज्य में चूहों ने आतंक मचा के रखा है। क्या हुआ चौधरी, पोते के इंतजार में इतना परेशान हो गया? कमाल है ना, आज वो यहाँ नहीं है और तुझे दर्द की दवाई खानी पड़ रही है। हाँ बेबे, रविंद्र की शैतानी है ना मेरे लिए मलहम का काम करती है। रविंद्र के कंधे पे हाथ रख के मैं अपना बचपन जी रहा हूं और कहीं मन में छिपी हुई जीते की कमी को उसके सारे पूरा कर रहा हूं। रविंदर होता है ना तो मुझे अपने बुढ़ापे का एहसास ही नहीं रहता। देखो आज वो घर में नहीं है तो ऐसा लग रहा है बेबे जैसे शरीर में से आत्मा निकल गई। पापा जी ये हिचकी की कोई दवा हो तो बताओ। ओए हिचकी बंद होने की कोई दवाई नहीं होती, हिचकी तब आती है जब कोई याद कर रहा हो। मुझे कौन याद करेगा, बंसो तो 24 घंटों मेरे नाल रहती है। ओए फिटे मुंह तेरे, अंदर जाओ और पानी पी ले।
बंद हो जाएगी तेरी हिचकी। पता नहीं क्यों सुबह से मेरी बाई आंख भड़क रही है। कौन मेहमान आएगा? बेबे मेहमान कौन आ सकता है? पहचानो तो कौन है? लो, अरे ये तो देखकर ना पहचानती, और तुमने तो इनकी हेडलाइट ही बंद कर रखी। कोई हाथ हटाएगी तो पहचानूंगी ना। सरप्राइज। ओए तू गुड्डो। बेबे गुड्डो नहीं प्रिया, अब मैं बड़ी हो गई हूँ ना, मेरे लिए तो गुड्डो ही रहेगी ना। चौधरी ए मेरी पोती है गुड्डो। सस्रीकाल दादाजी। ओए जिंदी रे पुत्र जिंदी रे। कैसी हैं परजाई जी? मैं अच्छी हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी बढ़िया हूँ। ए बंसो को गिदी बोटी। पुत्र अगर तू खबर कर देती तो स्टेशन गाड़ी भेज देते। दादाजी अगर खबर दे दी होती तो फिर ये सरप्राइज कैसे देती? बिल्कुल दिल्ली वाली हो गई है, पता नहीं कब तक पढ़ती रहेगी ये। बेबे मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी है। बेबी आपको पता है धर्मपुरा हाई स्कूल में मेरी टीचर की जॉब लग गई है। धर्मपुर हाई स्कूल? अरे प्रिया तुम्हें पता है मेरा जो बेटा ना रविंदर वो भी उसी स्कूल में पढ़ता है। अच्छा परजाई जी आपका बेटा इतना बड़ा हो गया कि स्कूल जाता है? इतना बड़ा भी हो गया है और शैतान भी उतना है। जब तुम उसे मिलोगे ना तो उसे देखते ही पहचान जाओगे क्योंकि उसकी शैतानियां इतनी होती है। परजाई जी बच्चे तो शैतानी करते ही है। वो भी है। जाओ बैठो अपनी जगह पर। और आइंदे से ऐसी शरारत की तो मुर्गा बना दूंगा पूरे स्कूल के सामने। आई बात समझ में? जाओ बैठो। मजा आ गया। वाह क्या काम किया है तुम दोनों ने, चोट भी लगी और सजा भी मिली। शाबाश मेरे शेर शाबाश, इतना बहुत है उन दोनों के लिए आज। ए सुरजीत पर अब तू अपना कमिटमेंट मत भूल जाना। सुरजीत शमशेर सिंह चौधरी अपनी कमिटमेंट कभी नहीं भूलता। पापा जी चाय पियेंगे ना? नहीं बस थोड़ी सी। चल थोड़ी सी डाल दे। ये लीजिए पापा जी। पर जाई जी आपको रविंद्र की पढ़ाई की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, अब घर में टीचर जो आ गई है। हाँ प्रिया अच्छा हुआ कि तू आ गई, वरना मुझे तो बड़ी चिंता रहती थी इसकी पढ़ाई की। अब तू पढ़ा दिया करना उसे। डोंट वरी पर जाई जी, अब रविंद्र की सारी पढ़ाई की जिम्मेदारी मेरी है। ठीक है चल अब तू चाय पी। रविंदर। ओए ओए रविंदर पुत्र। मुझे नहीं जाना स्कूल। रविंदर क्या हुआ? दादू जी मम्मी मैं आपको कह देता हूँ कि मैं स्कूल कभी नहीं जाऊंगा, स्कूल बहुत खराब जगह है, मैं कभी नहीं जाऊंगा स्कूल। रविंदर सुन, रविंदर रविंदर सुन तो, रविंदर रविंदर अगला कार्यक्रम मई सागर।